लिव 26, अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि फिल्म तो सबसे जो कहीं कुछ छोड़ गया, क्योंकि काफी कुछ हो रहा है जो आप जानते हो, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कुछ छोड़ गया? देखिए, जो हमारे फिल्म जो शो बिजनेस होता है उसका नेचर ही ऐसा होता है, ऐसा तो जो फिल्म में चाहे कंट्रोवर्सीज ले लीजिए या फिल्म में लेकर जो विवाद ले लीजिए, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी छूटा है। हमारी फिल्म जो है पर्दे पर है, थिएटर्स में है, लोगों तक पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ छूटा हुआ है। और ना ही किसी तरह का कोई जिस तरह से, या तो आप ये नहीं कह सकते कि लीगली हम लोगों ने वी हैव टेकन एनी लिबर्टीज़ ऑफ पोर्ट्रेइंग हिस्ट्री, क्योंकि हमेशा जो भी हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं उनको इतना गलत तरीके से दिखाते हैं सबको कि आधे से ज़्यादा कम्युनिटी जो है नाराज़ होकर बैठ जाती हैं, या उनको लगता है कि उनका अच्छे से नहीं दिखाया उनको, या किसी ना किसी तरीके से सेंसेशनलाइज करके उनको भुनाया, या अलग तरह से पैसे कमाने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, जो भी कम्युनिटीज़ हैं सब बहुत खुश हैं। हमारी जो झांसी की से जो भी उमा भारती जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है फिल्म को लेके, एक पत्र लिखा है इसको टेक्स्ट भी बनाने के लिए। तो इस तरह से जो जिस दायित्व से हमने काम किया, जिस जिम्मेदारी से हमने काम किया है, उस जिम्मेदारी से ही हमें इज्जत भी मिल रही है। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है रानी झांसी पर फिल्म बनाना, क्योंकि ये फिल्म जो है पब्लिक डोमेन में है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी खुद की कहानी है, मेरे किसी दोस्त की कहानी है और मैंने जैसे तैसे बना ली। ये फिल्म 130 करोड़ भारतीयों को बिलोंग करती है। आप उठकर ये कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं आप पे केस करता हूँ? इस तरह का कुछ हो नहीं रहा, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है? बाकी कुछ लोग जो हैं, जब किसी को सफलता मिलती है तो जलने वाले तो आपके पड़ोस में भी चार होंगे, तो ये तो ह्यूमन नेचर है। तो उनको ना ध्यान देकर, जो हमारे लिए जो इस वक्त जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देकर इस फिल्म को हमारी जो जनरेशन है उस तक पहुंचाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लेकिन फिल्म की कास्ट भी इस पे विरोध कर रही है, देखा जाए तो मिस्टर चक्रवर्ती को ले जाए तो क्रिश को ले आ जाए, मतलब उनका मिस्टर चक्रवर्ती ने क्लियर ये कहा। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनका नाम ही इस फिल्म से लेकर हुआ है। अगर इनका नाम कभी आपने पहले सुना था, तो इन लोगों का नाम इस फिल्म से लेकर हो रहा है, तो इस फिल्म ने उनको बहुत कुछ दिया है। अगर उनको ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो जिन लोगों को ग्रैटिट्यूड नहीं उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। उनका तो श्री राम भी कुछ नहीं कर पाए क्या? जब क्राइस्ट आए थे उनको भी सूली पे लटका दिया था, तो वो ही नहीं कुछ कर पाए ऐसे लोगों का, तो हम क्या करेंगे? हम तो फिर भी छोटे मोटे ह्यूमन बींग्स हैं। तो जो लोग नहीं सुधरने वाले वो नहीं सुधरने वाले, लेकिन जो लोग इस फिल्म को प्यार दे रहे हैं और जो इस फिल्म को सम्मान दे रहे हैं और जिन लोगों के लिए फिल्म बनाई गई है, मैंने डायरेक्शन में एक भी पैसा नहीं लिया, अपनी ज़िंदगी का एक साल दिया, दो फिल्में छोड़ी, जो दो फिल्मों का मेरा कॉन्ट्रैक्ट 20 करोड़ से ज़्यादा के थे, समझे आप? तो जिन लोगों ने नहीं सुधरना है उनको तो कोई नहीं सुधार सकता, उनकी बात मत कीजिए। लेकिन जिन लोगों ने अपना पूरा इस फिल्म को वक्त दिया है, उनके नाम ही आपको याद आता है क्या? प्रसून जोशी का नाम नहीं आता था, शंकर एहसान लोहे का नाम नहीं आता था? जी स्टूडियो ने इतना पैसा लगाया, पहली बार एक फिल्म को मेरे पे नहीं लगाया, झांसी की रानी पे लगाया, इन बच्चों तक पहुंचाने के, उनके नाम याद नहीं आते आपको? जिस इंसान का कोई नाम नहीं है उसका नाम बना रहे हैं आप? कंगना, यू नो बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम देखते हैं कि काफ़ी जो सेलेब्स हैं वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर कर रहे हैं, अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी, एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स यू नो समवन प्रमोटर मनी करने का द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन अ बेनिफिट? मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा? आई एम ऑलरेडी, मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई, सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं, जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे, 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी? मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुँह पर कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं, जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद हैं तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है।
और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊँगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी. है ना बच्चों? थैंक यू वेरी मच. मसाला.